अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो है ये है, कोई भी फाइल क्या आप एक फोल्डर से डेटा, एंड्रॉयड के डेटा और ओबीबी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आप जो है एंड्रॉयड के डेटा सेक्शन में जाके ओबीबी सेक्शन में जाके फाइल्स को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ का राजफाश करने वाले हैं आज, तो आखिर तक बने रहे इस वीडियो के साथ। तो यहाँ कि मैंने MIUI के अपने फाइल मैनेजर में जाके इस फाइल को पेस्ट करना चाहा डेटा फोल्डर के किसी भी जगह, डेटा फोल्डर में मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड 11 ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि आप कोई भी फाइल जो है यहाँ पे इसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जी आर्चिवर के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, गूगल प्ले फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी करके डायरेक्टली एंड्रॉयड के डेटा सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, बिना कट किए हुए वीडियो है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एक्सेस इज डिनाइड बताया जा रहा है और यहाँ पे जो है आप फाइल को मूव ही नहीं कर सकते डेटा फोल्डर में। कोई भी फाइल हो, कहीं से भी उठा के लेके आओ, डेटा एंड्रॉयड के डेटा और ओबीबी या एंड्रॉयड सेक्शन में मीडिया के अलावा आप किसी भी फाइल में इस फाइल को पेस्ट कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कोई भी फाइल एंड्रॉयड के अलावा किसी भी फोल्डर में पेस्ट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड के डेटा सेक्शन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स में या जो भी रिसेंटली अपडेट्स आए थे एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 के। अब वो लोग क्या बताते हैं कि आप जो है सेटिंग में जाके जी आर्चिवर के नाम से जो आप वहाँ पे ऐप देखोगे उसकी जो परमिशन है उसको दे दीजिएगा कि स्टोरेज की परमिशन, फाइल्स एंड मीडिया की परमिशन है, यहाँ पे आप इस चीज़ को इसको एक्सेस दे दीजिएगा। लेकिन एक्सेस देने पर आप नीचे पढ़ सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन इंटरनल फोल्डर से या जहाँ पे भी आप कुछ भी सेव रखते हैं तो आपने एक्सेस दे रखा है, तो वहाँ से भी ये आपका डेटा और फाइल्स लेके जाएगा। अब एक और चीज़ दोस्तों, वो वहाँ पे बताते हैं कि इसको आप जो है ऑटो स्टार्ट इसका एनेबल कर दीजिएगा ताकि ये जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए एंड्रॉयड के स्टार्ट डिवाइस स्टार्ट होने के बाद या रिबूट होने के बाद या कोई भी चीज़ जो है वो बैकग्राउंड में रन करती रहे। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑटो स्टार्ट भी एनेबल कर रखा है। अब मैं फिर से इसके GR1 में जाऊँगा, वही फाइल सिलेक्ट करूँगा, कॉपी टू एंड्रॉयड के सेक्शन में, तो इसके बाद भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो एंड्रॉयड है एक्सेस ही नहीं दे रहा है, एंड्रॉयड ने फिर भी एक्सेस दे रहा है। अगर मैं पेस्ट करने की कोशिश भी करूँगा तो यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी कम्प्लीटली विद एरर दिखा रहा है कि आप जो है फिर भी एरर आ रहा है। तो उसके बाद वो क्या बताते हैं कि आप जो है प्ले स्टोर में जाके फाइल्स के ऑप्शन को, फाइल्स का एक एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड कीजिएगा मार्क एप्स एंड सॉफ्टवेयर के नाम से, जो आप फाइल पर गूगल के नीचे दूसरा फाइल्स, खाली फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके जो है ओपन कर दीजिएगा और वहाँ से आप जो है कोई भी फाइल पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे काटा जा रहा है हमारा, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि दोस्तों कि मैंने जो फाइल है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखाएंगे कि एंड्रॉयड का फोल्डर है, डेटा का फोल्डर है, ये ऑन हो गया, ओपन हो गया, तो आप जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे जब वो बाहर निकल के जो भी फाइल वो सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने जो फाइल्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अब मैंने इसको कॉपी टू, अब डाउनलोड जहाँ पे आ रहा है मैंने नीचे कॉपी का पार्ट बटन दबा दिया, जो मेरी फाइल है वो कॉपी इन डाउनलोड्स हो गई है। तो ये इतना ही दिखाया जा रहा है कि आप जो है कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है यहाँ पे पेस्ट हो गई है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे मैं फिर से इस फाइल को जो है कॉपी करूँगा और अब मैं इसको जाके कॉपी टू एंड्रॉयड इंटरनल मेमोरी के एंड्रॉयड वाले सेक्शन में डेटा या ओबीबी में पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो ही मैंने एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन किया, यहाँ पे डेटा और ओबीबी फाइल का फोल्डर ही गायब है। तो ये देख लिए दोस्तों कि वहाँ पे आपको उतना ही दिखाया जा रहा है कि कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दो तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एंड्रॉयड का डेटा और मीडिया का फाइल जो है वो पूरा का पूरा दिखाई ही नहीं दे रहा है कि जब आप कोई भी फाइल कॉपी आप मूव करेंगे एंड्रॉयड के सेक्शन में। तो अब मैंने डायरेक्टली बाहर ही पेस्ट कर दी, तो आपने देखा कि जो मेरी फाइल है वो मैंने यहाँ से डिलीट की है, तो बाहर ही पेस्ट हो गई है। जब मैं कॉपी या मूव करूँगा तो जो फाइल है वो यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों कि आपको कितना बनाया जा रहा है और कितना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि हमारे जो भी हम यकीन करते हैं इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, जैसे मैंने फाइल मैनेजर को ओपन किया तो नीचे एंड्रॉयड के सेक्शन में मैंने कोई भी चीज़ पेस्ट करने की कोशिश की, कॉपी या मूव करने की कोशिश की, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एंड्रॉयड ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एंड्रॉयड 11 के बाद। अब उन्होंने क्या कहा था कि
आपकी जो फाइल्स है वो सारी अप टू डेट होनी चाहिए। तो आप जो बोलोगे कि आपकी फाइल जो है वो अपडेट नहीं थी, तो इसलिए आपका जो फाइल है वो पेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे बिना स्किप किए, बिना कोई कट के वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि मैंने फाइल मैनेजर को आपके सामने इंस्टॉल किया हो, अपडेट किया है, और यहाँ पे नीचे तक आप कोई भी देख लीजिए कि फाइल्स का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। लास्ट में मेरा व्हाट्सअप ही, और इसलिए इससे ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो व्हाट्सअप के नीचे जो फाइल्स है वो फाइल्स तो ऐप से आती है, तो ऊपर ही शो हो गया ऑब्वियसली। तो अब मैंने इसको फाइल मैनेजर को अपडेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से जो है फाइल को पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैंने मूव किया या कॉपी किया, तो इंटर फाइल में जाके, मैं एंड्रॉइड में जाके, डेटा में जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे नीचे क्या दिखाया जा रहा है कि आप एंड्रॉयड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले क्या दिखाया जा रहा था, एंड्रॉयड 11 ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कुछ और तरीके हैं, जैसे अगर आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं, कस्टम रिकवरी यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों में आप वो फाइल्स को एंड्रॉयड में या डेटा में मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एप्लीकेशन है या डेवलपर्स हैं वो वहाँ पे एक्सेस दे देते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से भी गूगल प्ले स्टोर के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो मुमकिन है वहाँ पे भी आप डायरेक्टली पेस्ट या कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका फ़ोन रूटेड है या आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल रखी है जो खाली कस्टम में यूज़ होती है, कस्टम रोम या रिकवरी में यूज़ होती है, तो वहाँ से जो चीज़ें हैं आप फाइल्स को कॉपी पेस्ट एंड्रॉयड डेटा में पेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वीडियोज ऐसी भी जो कस्टम रोम्स की हो,